अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए सच में कुछ हेल्दी खाने का सोच रहे हैं और हो बनाने में आसान, तो पोहे से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और मैंने ये बनाया है सिर्फ एक चम्मच घी में। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोहा भी खिला खिला बने और हर एक दाना अलग अलग दिखे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हे फूडीज, वेलकम टू आशिमास किचन। पोहे का ये स्टाइल ज्यादातर महाराष्ट्र में बनाया जाता है और वहाँ प्याज को कांधा कहा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है कांधा पोहा। पोहा यानी कि फ्लैटेंड राइस, ये हमें पैकेट्स में रॉ फॉर्म में मिलता है, तो पहले ये सीख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। इसको बनाने के लिए बॉइल्ड राइस यानी कि उबले हुए चावल को पहले फ्लैट किया जाता है और फिर सूखने के लिए रख दिया जाता है। सिंस ये ऑलरेडी पका हुआ होता है, तो ये ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, झटपट बनके तैयार हो जाता है। ये बहुत तरीके से बनाया जाता है, कुछ लोग सब्जी या फिर आलू डाल के इसको बनाते हैं, और वहीं इंदौर में पोहा जलेबी का ब्रेकफास्ट बहुत फेमस है और कुछ जगह पे इसमें सेव डाल के सर्व किया जाता है। तो चलो आज मैं आप सबको ऑथेंटिक स्टाइल में पोहा बनाना सिखाती हूँ। और पोहे की रेसिपी देखने से पहले आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो चलो बनाते हैं ऑथेंटिक पोहा। तो पोहा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप थिक पोहा, उसको आप स्ट्रेनर में डाल लेंगे इसको धोने के लिए। अब इसके ऊपर हम 1 फ्लू में पानी गिराएंगे ताकि हमारा पोहा भीग जाएगा और पानी नीचे से निकल जाएगा। जब पोहा हमारा भीग जाएगा तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसको हम पोहे के साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि नमक और चीनी हमारे पोहे के साथ अच्छे से मिल जाए, और उसको ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक के लिए रख देंगे जिससे ये थोड़ा फूल जाएगा। उसके बाद लेंगे एक पैन और उसके अंदर डालेंगे हम मूंगफली जिनको हम करेंगे रोस्ट। तो मूंगफली को हमें लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसके लिए आप चाहें तो रोस्टेड पीनट्स भी ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मूंगफली हो गई है हमारी बढ़िया रोस्ट। इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो इसको तेल में भी बना सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तो डालेंगे 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून जीरा। जीरे और राई को हम घी के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, और जैसे ही चटकने लग जाएंगे और हल्के भुन जाएंगे तो इसके अंदर डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते और मिर्च को भी हम अच्छे से भून लेंगे जिससे कि हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का फ्लेवर हमारे तेल में आ जाएगा। तो इसको हमें 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से लो मीडियम फ्लेम पे भुनना है, और जब ये कड़क हो जाएंगे तो डाल देंगे इसके अंदर अपने चॉप्ड प्याज। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज प्याज को चॉप किया है और उसको भी हम कड़ी पत्ते, मिर्च, जीरा और अपने राई के साथ भून लेंगे। इसको भूनने में लगेंगे लगभग 3 से 4 मिनट, और जब हमारे प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर डाल लेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी को इसके अंदर डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे जिससे कि हल्दी का कच्चापन चला जाएगा और ये पक जाएगी और अपना फ्लेवर बढ़िया छोड़ देगी। अब डालेंगे इसके अंदर हम अपने रोस्टेड पीनट्स जो हमने पहले रोस्ट किए थे, और पीनट्स को भी हम अपने मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा मसाला हो गया है तैयार पोहा के लिए, जो कि है बनाना बहुत ही सिंपल। अब इसको पकाएंगे हम 1 से 2 मिनट और फिर डाल देंगे हम अपना पोहा। ये देखिए पोहा हमारा भीगे रहने से हल्का सा फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसको डाल दिया हमने अपने मसाले के अंदर और इसको भी हम मिला लेंगे। इसको थोड़ा जेंटल हाथों से मिलाना है ताकि हमारा पोहा मिल जाए और टूटे ना, क्योंकि पोहा सॉफ्ट होता है तो उसका टूटने का डर है। ये देखिए क्या बढ़िया रंग आया है हमारे पोहे का, ये मसाले के साथ बढ़िया मिल गया है। और अब डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। नमक को भी हम मिला लेंगे पोहे के साथ। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो पोहा हमारा बस बनके तैयार है। इसको हम ढक्कन लगाकर 1 मिनट तक और पकाएंगे जिससे कि पोहा थोड़ा सा और नरम हो जाएगा, और 1 मिनट बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि नीचे से जले ना। पोहे की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो 1 कप पोहे से बनके तैयार हुआ है हमारा 1 प्लेट पोहा, जो कि 1 से 2 लोग बड़े आराम से खा सकते हैं। अब डालेंगे हम इसके अंदर नींबू। मैं यहाँ आधा नींबू इसके ऊपर निचोड़ रही हूँ। अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद है तो आप 1 नींबू भी इसके अंदर डाल सकते हो। और नींबू डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर कटा हुआ धनिया पत्ता।
धनिया पत्ते का फ्लेवर पोहे के अंदर बहुत बढ़िया लगता है। इसको भी हम मिला लेंगे अपने पोहे के साथ। जब नींबू और धनिया को हम मिला लेंगे तो उसके बाद फिर से हम इसको ढक के पकाएंगे थोड़ी सी देर के लिए, यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि धनिया पत्ते और नींबू भी हमारे पोहे में अच्छे से रम जाए। वाह, अब आया है बेहतरीन स्वाद पोहे का, मजा आ गया देख के, है ना। ये पोहा बनाना कितना सिंपल। तो गाइस, आप भी इस पोहे को बनाने का ट्राई घर पे जरूर करें। पोहा हमारा बन के तैयार है, इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। बस एक चीज का ध्यान रखें कि जो आप पोहा ले वो थिक वाला पोहा हो, पतले वाला पोहा चिवड़ा या फिर भुजिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पोहे के लिए वो ठीक नहीं रहता। तो ये पोहा बना है हमारा बहुत ही टेस्टी, और इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है, और इसके अंदर खट्टा मीठा जो लेमन का टेस्ट आने वाला है वो तो क्या बात है। और साथ ही इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने डाली है इसके ऊपर सेव। सेव की क्रंचीनेस पोहे में बहुत बढ़िया लगती है। पोहा हमारा बनके तैयार है, मैं जल्दी से इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। ये बहुत ही खिला खिला बना है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसके अंदर नींबू, हरी मिर्च और चीनी का बहुत ही चटपटा स्वाद आ रहा है। तो आप सभी भी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पे पोहा बनाने का ट्राई जरूर करें, और जब भी बनाएं अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। मेरी और भी अपडेट्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट आशिमास किचन को भी फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में कर चुके हैं, है ना। और अगर नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लो। और आप लोगों की सुविधा के लिए इस रेसिपी में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लिया है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्लीज इसको शेयर करें। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और उन्हें ढेर सारा प्यार करें। हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।